शुरू हुई परिवर्तनों का ये उत्कर्ष है। इसके लिए मैं नेपाल की जनता और सरकार दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब राजनीतिक इतिहास के एक नए युग में प्रवेश किया है। एक पड़ोसी मित्र देश के नाते और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नेपाल के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ भारत में हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। कल और आज की हमारी मुलाकातों में प्रधानमंत्री ओली जी ने नेपाल के तीव्र आर्थिक विकास और खुशहाल एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिए अपने बोल्ड विजन के बारे में मुझे विस्तार से जानकारी दी है। हमने इस विषय पर भी चर्चा करी कि इस विजन को साकार करने के लिए भारत नेपाल के साथ किस प्रकार से भागीदार बन सकता है, कि भारत के विकास के लिए मेरा सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र और नेपाल के लिए प्रधानमंत्री ओली जी का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का विजन एक दूसरे के पूरक है। पूर्णतः सहमत है कि हमें जन केंद्रित विजन, विकास के साझा लक्ष्य और दोनों देशों की जनता की सुख शांति और समृद्धि की आशाओं और अपेक्षाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है। यह सहयोग भविष्य में भी नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर होगा। इस सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण परिणाम इनलैंड वाटरवेज में सहयोग का निर्णय है। हमारे इस सहयोग से नेपाल को समुद्र तक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी मिल जाएगी और सागर माथा का देश सागर से सीधा जुड़ जाएगा। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत है। लैंड लिंक्ड ही नहीं, वाटर लिंक भी है होगा। इसी प्रकार रेलवे में भी हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए काठमांडू से भारत को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन को संयुक्त रूप से विकसित करने पर भी हमारी सहमति बनी है। व्यापार और लोगों के आवागमन के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। अभी कुछ देर पहले हमने बीरगंज रक्सोल इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। यह आईसीपी भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का नया राजमार्ग बनेगा। आज की हमारी मुलाकात में हमने कनेक्टिविटी के सभी प्रोजेक्ट्स में प्रगति को भी रिव्यू किया। ऑयल पाइपलाइन हो या इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हो या फिर तराई रोड्स, इस प्रकार के सभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को हर संभव गति देने पर हम दोनों सहमत हैं। भारत और नेपाल दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं और इसलिए आज हमने कृषि के क्षेत्र में एक नई भागीदारी की शुरुआत की है। इस भागीदारी से ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशुपालन, सॉइल टेस्टिंग, कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा जैसे विषयों पर हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर प्रधानमंत्री जी कल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली जी के साथ मिलकर मैंने जल संसाधन और ऊर्जा संबंधित प्रोजेक्ट में प्रगति को भी रिव्यू किया। हम दोनों अरुण 3, पंचेश्वर और सप्तकोसी सुनकोसी जैसी परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने पर सहमत है। रक्षा और सुरक्षा के विषय पर
बहुत गहन संबंध है। हम दोनों अपने ओपन बॉर्डर के दुरुपयोग को रोकने और हमारे साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने पर सहमत है। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर दोनों देशों के सामान्य लोगों के बीच एक लिविंग ब्रिज रहा है और बुद्धि सर्किट का विकास तथा स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जन केंद्रित क्षेत्रों में भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। इससे हमारे दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मुझे विश्वास है कि आज हमने जो ऐतिहासिक पहल की है उससे दोनों देशों के विकास के हमारे विजन्स को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। नेपाल की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में दोनों देशों के आपसी सहयोग, विचार विमर्श और अनुभव के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री ओली जी, उनकी धर्मपत्नी और पूरे डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और यह भी चाहता हूं कि फेरी फेट वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।